हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज हम करेंगे मल्टी विद थ्री स्टेप कटिंग, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैडम आप थ्री स्टेप की कटिंग हमें बताएं। तो आप मल्टी विद थ्री स्टेप कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारे पास कस्टमर आई हुई हैं, आप इनके हेयर देख सकते हैं। हमने सबसे पहले बालों को गीला कर लिया है। बालों को गीला करना बहुत ज़रूरी होता है, और बालों को टैंगल फ्री कर लिया है, और अच्छी तरीके से अब हम बालों को हमने कॉम कर ली है। अब हम बालों के तीन सेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें थ्री स्टेप कटिंग करनी है। और इसमें हम ये देखिए, इसमें हम मल्टी स्टेप भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छी कटिंग लगती है। तो इसको आप कह सकते हैं मल्टी विथ थ्री स्टेप कटिंग। और इससे पहले भी मैंने थ्री स्टेप की कटिंग डाली हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप थ्री स्टेप की कटिंग कई तरीके से होती है, तो इन्होंने कहा है कि मल्टी विथ थ्री स्टेप कटिंग इन्होंने करवानी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने फ्रंट से सेक्शन निकाल लिया है। अब जितने बाल हैं उसको हम तीन भागों में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। जो हमने फ्रंट का सेक्शन लिया है वो हमारा बॉक्स सेक्शन है। अब ये देखिए, हमारा ये जो हमारे कान हैं, कान के ऊपर से हमें एक इंच ऊपर के हमने दूसरा सेक्शन लिया है। अभी हमारा तीसरा सेक्शन बैक साइड में है। अब इसको भी हम बालों को सुलझा लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके फिर हम दो सेक्शन करेंगे, और फिर हम फ्रंट की साइड लेकर आएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वी शेप में, बैक साइड से जो वी शेप होती है उस तरीके से कटिंग चाहिए, स्टेप वगैरह उसमें आने चाहिए। अब हमने दोनों साइड से फ्रंट में बालों को कर लिया है, और थोड़े थोड़े ये बाल काटने हैं हमें, ज़्यादा शॉर्ट बाल नहीं करने हैं। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल हल्का हल्का सा कट कट करते हुए हमें नीचे की तरफ फिंगर लेकर आनी है। और ये देखिए इस तरीके से सीजर चलानी है। और ये देखिए मैंने कितने थोड़े से बाल काटे हैं, क्योंकि जितना कस्टमर कहते हैं उसी हिसाब से हमें कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इनको हमने दिखा दिए थे कि आपके इतने बाल कटेंगे। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड में, अभी हमारी गाइडलाइन हो गई है, इसी के बराबर हम दूसरी साइड से भी कट करेंगे। और बालों को हम इस तरीके से फिंगर में एक बार चेक जरूर करना है दोनों साइड से, और फिर हम नीचे की तरफ फिंगर करेंगे, और हल्का सा बिल्कुल आगे आगे की तरफ हमें कट लगाना है सीजर से। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप देख रहे हैं कितने थोड़े थोड़े से बाल मैं कट कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, बहुत अच्छी कटिंग होगी। अब हमारा ये देखिए एक स्टेप हो गया है। अब हमारा, अब ये देखिए इसमें वी लुक भी आ रहा है। आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा सा वी लुक लेना है। तो आप देखिए इसके अंदर ये वी लुक आ रहा है इससे। अब जो एक्स्ट्रा बाल बड़े हुए होते हैं उसको सीजर की मदद से दोनों साइड से कट कर लेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े से जो बाल बड़े हुए हैं उनको हम कट कर लेंगे। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब हम सेकेंड स्टेप जो हमने टक किया था उसको खोलेंगे, उसको अब हम कॉम करेंगे। और कॉम करने के बाद इसके भी हम सेंटर, जैसे हमने पहला सेक्शन में दो भागों में बालों को डिवाइड किया था सेंटर से, तो इसी तरीके से दूसरा सेक्शन लेके भी उसको खोल कर, उसको ओपन करके बालों को। और अब हमने दो सेक्शन कर लिए हैं, और एक सेक्शन को हमने अभी साइड में इसमें सेक्शन क्लिप लगा दी है। अब देखिए जो हमने दूसरा सेक्शन लिया था, और जो हमने पहला सेक्शन जो कटिंग करी थी पहले सेक्शन की, तो उसी बालों में मिलाते हुए हम सारे बालों को इस तरीके से फ्रंट साइड ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें गाइडलाइन देखेंगे कि गाइडलाइन कौन सी है। ये देखिए, तो अब हम उसी के अनुसार ही बालों की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का सा कट करते हुए बालों को, इस सीजर को नीचे के लेकर आना है। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं हम। एक बार फिर चेक कर लेंगे कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं रह गया है, और फिर हम अच्छी तरीके से कॉम करेंगे बालों में, और सारे बालों को फ्रंट साइड में लाते हुए और फिंगर में इस तरीके से पकड़ लेंगे, थोड़ी तिरछी नीचे की तरफ रखेंगे, और हल्का सा फिर कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं।
अब इसी तरीके से हमने जो दूसरा सेक्शन सेक्शन क्लिप लगाया था उसको हमने खोल दिया है और सारे बालों को हम फ्रंट की साइड ले आएंगे। जो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला सेक्शन हमने कटिंग करी थी उसको भी इसी के अंदर हम मिला लेंगे बालों को, और फ्रंट साइड हम सभी बालों को मिलाते हुए इस तरीके से लेकर आएंगे। अच्छी तरीके से कॉम करेंगे और कॉम करने के बाद ये हमारी गाइडलाइन है। अब हम इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। हल्का सा सीजर इस तरीके से चलाएंगे, फिंगर को नीचे करते जाएंगे और सीजर को भी हल्का सा कट कट करते हुए। अभी देखिए थोड़े से बड़े हुए बाल थे, इसके बाद चेक कर लेंगे कि कोई छोटा बड़ा बाल तो नहीं रह गया है। ये देखिए इस तरीके से एक बार ही चेक जरूर करना है, फिर हल्का सा हम सीजर हल्का हल्के हाथों से चलाएंगे और जो हल्के से बाल बड़े हुए हैं, अब ये देखिए दोनों साइड के बाल ये बराबर हो गए हैं। अब हमारे दोनों सेक्शन हो गए हैं। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो थर्ड सेक्शन है, उसके भी हम बीच में से सेंटर की मांग निकाल कर सेंटर पार्टीशन करके उसको भी हम जैसे हमने दो स्टेप की कटिंग करी थी उसी तरीके से ये वाले बाल भी हम इसी के अंदर मिला देंगे। ये देखिए अब हमने सारे बाल मिलाकर सारे बालों को आगे ले आए हैं और इसको भी अब हम मिलाते हुए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ मैं, और फिर एक बारी चेक कर लेंगे। अब एक साइड के हो गए हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड में भी जो हमने थ्री स्टेप फ्रंट का लिया था उसको भी हम इसी तरीके से मिलाते हुए, अब देखिए थोड़े से बड़े लग रहे हैं, इसी के हिसाब से अब हम कटिंग करेंगे। और अभी आप देखेंगे बहुत सुंदर कटिंग लगेगी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी कटिंग वगैरह की वीडियो डाली है और काफ़ी कटिंग मेरे जो कस्टमर वगैरह हैं उन्हें पसंद भी आती है। अब देखिए हमने थ्री स्टेप जो हमने निकाले थे, तीन सेक्शन जो डिवाइड किए थे, अब सब में कटिंग हो गई है। उसके बाद अब सब बालों को हम पीछे की साइड ले आएंगे। अब जो हमने फ्रंट में बॉक्स सेक्शन निकाला था, ये देखिए इस तरीके से, उसको अब हम फिर लेंगे, दोबारा से लेंगे और इस तरीके से बॉक्स जो सेक्शन है वो निकालेंगे टेल कॉम की मदद से। अब ये देखिए हमारा फ्रंट का सेक्शन निकल गया है, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टी स्टेप भी डालेंगे, क्योंकि थ्री स्टेप कटिंग कई तरीके से होती है। आज हम जो कटिंग कर रहे हैं वो हमारी मल्टी विद थ्री स्टेप कटिंग है। अब देखिए जो हमने ये बॉक्स वाला सेक्शन लिया है उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। और अब जैसे हमें थोड़ा से शॉर्ट करने हैं बाल इस तरीके से, ये हमने अब इसको बालों को कट कर दिया है। अब इसमें हम हल्का सा सीजर की मदद से बालों में नोचिंग भी करेंगे और इस तरीके से अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो ये काफ़ी सुंदर कटिंग लगती है। अब देखिए जैसे अब इनकी कटिंग हो गई है और देखिए ऊपर तक बिल्कुल स्टेप आ रहे हैं और बहुत सुंदर लगती है। अब हम फ्रंट से थोड़ा सा इसको बालों को शॉर्ट करेंगे अगर कस्टमर कहता है, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब जैसे इन्होंने थोड़े से आगे से फ्रंट से शॉर्ट बाल कराने हैं तो हम फ्रंट से दोनों साइड से सेंटर पार्टीशन करके दोनों साइड से बाल लेंगे और उसको वी सेक्शन करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने वी सेक्शन निकाल लिया है। और आप घर पर रहकर ही कटिंग वगैरह सीख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं कटिंग वगैरह सिखाती हूँ। अब देखिए ज़्यादा इन्होंने कराने हैं, अब इतने ही हमने शॉर्ट करे हैं, इन्हें दिखा दिया है। अब दोनों साइड से फ्रंट से कटिंग हो गई है। हल्का सा आप चाहें तो साइड पार्टीशन भी दे सकते हैं ये इस तरीके से। अब हम एक बार सारे बालों को चेक करेंगे, रीचेकिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रीचेक करना है। अब देखेंगे फिर हल्का सा
सीजर से जो एक्स्ट्रा बाल हैं, ये देखिए बस यही थोड़े से बाल निकल रहे हैं। फिर चेक करेंगे इन बालों के साथ मिलाते हुए, थोड़े से जो फ्रंट के बाल हैं उसको बालों को मिलाते हुए और फिंगर को इस तरीके से रखते हुए हल्की सी टेढ़ी फिंगर कर लेंगे जब सीजर चलाएंगे तो, और फ्रंट से ही आगे हल्का हल्का सा कट करना है। ये देखिए क्योंकि एक सार कटिंग हुई है तो ज़्यादा बाल नहीं निकल रहे हैं। फिर से जो बैक साइड से बिल्कुल सेंटर की मांग निकाल कर फिर उसको भी हम बालों के इसके साथ मिलाते हुए और बालों में अच्छी तरीके से कॉम कर लेंगे और फिर देखेंगे। अब देखिए इस तरीके से देख लेंगे कोई छोटा बड़ा बाल है या नहीं है, तो ये इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी चेक करेंगे बालों को, फ्रंट के बालों को मिलाते हुए हल्की सी फिंगर को नीचे की तरफ मोड़ते हुए और सीजर को हल्के हल्के हाथों से कट करेंगे। ज़्यादा बैक तक हमें सीजर नहीं लेके जानी है, थोड़ी थोड़ी सी कट कट करके हमें निशान लगाना है। अब थोड़े से बाल ही बचे हैं, इसको भी हम इसके बालों में मिलाते हुए और फ्रंट साइड में लेकर आएंगे। और फिंगर का ध्यान रखना है, फिंगर जैसे जैसे नीचे होती जाएगी उसी के अनुसार ही कटिंग होती जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल भी बाल इनके ज़्यादा नहीं कटे हैं, बहुत थोड़े से बाल कटे हैं। अब जो ये बाल बचे हैं इसको भी हम, अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी हम इसके साथ मिलाते हुए और हल्का सा एक बार भी चेक जरूर करना है सारे बालों को। अब हमने देखे सारे बालों को चेक कर लिया है, अब हम सारे बालों को बैक साइड में ले आएंगे। और अभी बाल गीले हैं और जब हम इसके ऊपर ड्राई वगैरह करेंगे तब आप इसका लुक देखेंगे, बहुत सुंदर कटिंग होती है और कस्टमर वगैरह को काफ़ी पसंद भी आती है, बाल भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप कटिंग देख सकते हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा था कि मुझे वी शेप में कटिंग चाहिए तो वही लुक आया है। अब हमने इनके बालों में ड्रायर भी कर दिया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद जब ड्रायर वगैरह होता है तभी बालों का लुक पता चलता है कि बालों में स्टेप वगैरह कैसे आए हैं। तो ये देखिए अब इनके बालों में ड्रायर हो गया है। अब मोटे कॉम से हम बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लेंगे और ये देखिए इनके बालों की कटिंग हो गई है। और ये इसको आप मल्टी विद थ्री स्टेप कटिंग बोल सकते हैं, इसमें आप इस तरीके से बनाना क्लिप भी लगा सकते हैं या क्लच वगैरह लगा सकते हैं या ओपन भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।